हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट इंडस्ट्री मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। तो जो लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जोश और जुनून के साथ रिवाइज करना या पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि जॉब पाकर ही रहना है गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए किस राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज ये स्टेशन है, ठीक है, ये जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, चार्जिंग करेगा, ठीक है, चार्ज करेगा। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो काजा है, काजा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो काजा क्या है, तो देखिए ये जो काजा ये हिमाचल प्रदेश के ही अंदर पड़ता है, जो कि लाहौल स्पति ज़िले में स्थित है। कहाँ, तो देखिए लाहौल स्पति ज़िले में, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें कि इसका उद्घाटन किस लिए किया गया है, इसका मेन मकसद यानी उद्देश्य क्या रहा है, तो देखिए जो पर्यावरण स्थायी पर्यावरण है उसको बढ़ावा देना ही इसका मेन मकसद रहा है। अब देखिए ये जो जो ये है, ठीक है, जो स्टेशन है ये 500 फीट पर है, ठीक है, 500 फीट पर, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी जो एजेंसी है उसके अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किस देश में बढ़ रहे हैं, तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यमन में, ठीक है। यमन जो है यहीं पर 16 लाख मायने रखता है, ठीक है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन याद रखेंगे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। तो देखिए इसका जो हमारा यमन है जिसकी राजधानी क्या होती है, तो देखिए जो यमन है उसकी राजधानी सना होती है, ठीक है, कैपिटल। करेंसी की अगर यही बात कर ले तो करेंसी देखिए यमनी रियाल होती है, ठीक है। अब देखिए अगर इससे जितने भी पॉइंट कवर होते हैं इसको बताएं, ठीक है। तो देखिए जो एजेंसी के प्रमुख हैं कौन, तो देखिए जो खाज एजेंसी के जो प्रमुख हैं, देखिए प्रमुख जो हैं डेविड बेसली, ठीक है, डेविड जो बेसली हैं इनके अनुसार ही ये आंकड़ा दर्शाया गया है कि जो 16 मिलियन लाख हैं लाख लोग पीड़ित हो रहे हैं किससे, भुखमरी से, ठीक है। कहाँ पर, तो यमन में। अब देखिए ये इन्होंने एक चेतावनी भी दी कि यमन में लाखों लोग क्या किया जाएगा, जो लाखों लोगों के भोजन हैं उनके राशन में कटौती की जाएगी, तब हमारा जाकर देश सुधरेगा, ठीक है, मतलब भुखमरी कम होगी। तो देखिए जब तक कि नई फंडिंग नहीं आ जाएगी तब तक ये राशन काटा जाएगा सब इस जो 100 लोगों के राशन में, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए इस संकट में कई देशों ने मदद भी की, हेल्प की। तो देखिए हेल्प की अगर बात करें तो किस किस देशों ने की, तो जैसे यूएई हो गया यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, और अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, तो इन सभी देशों ने इनकी मदद भी की, क्योंकि देखिए जनसंख्या इतनी ज़्यादा है भुखमरी से कि रोका भी नहीं जा सकता, ठीक है, इसलिए उन्होंने जो राशन में कटौती की ताकि सभी लोग बचे रहें, ठीक है। और काफ़ी देशों ने इसलिए हेल्प भी की, जो वहाँ के दानदाताएँ थे उन्होंने हेल्प भी की, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से, यमन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सह जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलका नांगिया अरोड़ा, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं, यानी कहें तो CMD बन गए हैं, ठीक है, टोटलिंग, ठीक है, क्योंकि सह MD का मतलब है CMD, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें कि जो CMD है तो ये हमारे अलका नांगिया अरोड़ा जी बन गए हैं। अब देखिए ये जो अलका नांगिया अरोड़ा जी हैं ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम है उनके सेक्रेटरी, यानी देखिए अगर कहें कि इसे शॉर्ट में MSME, ठीक है, इसके सेक्रेटरी के पद पर ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो मंत्रालय है उसके जो MSME मंत्रालय है इसमें सेक्रेटरी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। यही अगर बात करें कि इसका उद्देश्य यानी एम क्या रहा है, तो देखिए जो MSME है इसका जो विकास में सहायता प्रदान करने के लिए ही इनको बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन से अलका नांगे अरोड़ा को।
नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी ये क्या हो गए, तो देखिए ये जो आईपीएल हुआ इंडियन प्रीमियर लीग, देखिए जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है उसमें क्या किए हैं, ये 1000 रन बनाने वाले, 1000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। ठीक है, अब यही अगर बात करें देखिए, तो देखिए जो रोहित शर्मा है इनका नाम अब कोलकाता के खिलाफ, इनका जो नाम है ये देखिए कोलकाता के खिलाफ अब 29 पारियों में 1015 रन टोटल हो गए हैं। ठीक है, तब इनका अगर बात करें एवरेज, इसके अनुसार इनका एवरेज देखें तो देखिए जो 46.13 इनका एवरेज रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए रोहित शर्मा ने केकेआर जो कि जो हमारा केकेआर है, ठीक है, जो इसमें क्या किया, इसके खिलाफ भी 100 चौके पूरे किए हैं, किसने, तो रोहित शर्मा जी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे रोहित शर्मा जी को। और अगर बात करें आईपीएल की, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ये इंडियन प्रीमियर लीग होता है। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें यानी स्थापना की, तो सन 2008 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो मुंबई में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और कौन सा देश रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रहा है, ले रहे हैं, तो कौन सा, देखिए भारत तो ले ही रहा है, ठीक है, और कौन सा देश ले रहा है भारत के साथ, तो देखिए आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया, देखिए जो भारत है और इंडोनेशिया है दोनों के जो नौसेना अध्यक्ष हैं, जो नेवी के, देखिए जो नौसैनिक हैं, ठीक है, जो नेवी के हैं, ठीक है, इनके अनुसार क्या होगा, इन दोनों की नौसेना के बीच एक अभ्यास होगा जिसको नाम दिया गया समुद्र शक्ति। ठीक है, इस अभ्यास में ही दोनों सेना की भाग लेंगी। ठीक है, जो भारत की नौसेना होगी और जो इंडोनेशिया की नौसेना होगी। अब देखिए बात करें ये जो नेवी की जो देखिए ये जो अभ्यास होगा हाल ही में हुआ है 20 से 22 सितंबर। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भी जान लीजिए, ये हुआ था जकार्ता में। कहाँ पर, तो जकार्ता में। अब देखिए जकार्ता में तो हुआ था, लेकिन इसका जो अभ्यास ये कराया गया समुद्र शक्ति, ठीक है, ये क्यों कराया गया, तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वो द्विपक्षीय जो संबंध थे उनको मजबूत करना। ठीक है, याद रखें जो द्विपक्षीय संबंध था उसको, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, मजबूती लाना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस अभिनेता को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी ने, ठीक है, रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त करके सम्मान भी सौंपा गया है, तो देखिए किस अभिनेता यानी हीरो को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, डेनियल क्रेग। ये देखिए ये क्रेग है, ठीक है, डेनियल क्रेग है, ठीक है, तो इनको ही देखिए यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में जो हमारा मानद कमांडर है इनके पोस्ट पर नियुक्त भी किया है, वो भी सम्मानित करके। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए बात कर दें जो हमारे, देखिए जो डेनियल क्रेग हैं, ठीक है, जो हमारे देखिए डेनियल क्रेग हैं, ये अगर बात करें तो देखिए जेम्स ब्रांड के, किसके, तो जेम्स बॉन्ड के ये अभिनेता है। ठीक है, अब देखिए इनकी नई जो जेम्स बॉन्ड फिल्म है कौन सी, अभी जो 30 सितंबर को रिलीज होगी, कब, 30 सितंबर को, उसका क्या नाम है, तो देखिए नो टाइम नो डाई। ठीक है, देखिए क्या हो जाए, क्या है इसकी फिल्म, तो देखिए नो टाइम टू डाई। ठीक है, ये इसकी फिल्म अभी रिलीज होगी, कब, तो 30 सितंबर को ही ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अब देखिए जो ये अगर बात करें कि ये जो डेनियल क्रेग थे, ठीक है, ये एक जो मानद कमांडर के रूप में इनको उपाधि जो प्रस्तावित किया गया है, इसके अलावा भी ये देखिए उपन्यासकार के रूप में भूमिका भी निभाए हैं, कब, तो 1953 में ये उपन्यासकार भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे।
तो आप देखिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।